आज हम करने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हमने एच, लेटर एच तक, स्मॉल कर्सिव लेटर एच तक फिनिश कर लिया है। आज हम सीखने वाले हैं आई। तो आई से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। इसके अलावा भी जो आई से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कैपिटल कर्सिव आई रिविजन करेंगे हम लिखने का, और स्मॉल आई सीखेंगे। सो लेट मी टेक चॉक, है ना। सो आप सबको पता है कि हम कैपिटल कर्सिव आई कैसे लिखते थे, स्टैंडिंग लाइन फिर नीचे से ऐसे कर्व करते थे और उल्टा लाइन जैसा लिखते थे ना, ऐसा उल्टा लाइन, राइट। ये ऐसे सीधा लाइन होता है, बस इसको नीचे से ऐसे कर्व कर देना है जी जैसा, या फिर यार लाइन छोड़ो जी कह लो, स्मॉल लेटर का आप जैसा जी लिखते थे वैसा ही ये आपका कर्सिव का आई होता है, ठीक है। और स्मॉल कर्सिव आई के लिए ये टू लाइन्स के अंदर ही लिखेंगे हम। तो यहाँ से एक कर्व लाइन ऊपर की तरफ, फिर वही कर्व लाइन नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे डॉट हो गया। तो ये आपका बन गया स्मॉल कर्सिव आई। समझ में आया सबको? ये लिखेंगे थ्री लाइन में, पहले स्टैंडिंग लाइन करके नीचे कर्व कर दो और इस लाइन को यहाँ मिला दो, नाइन जैसा बनाओ या फिर स्मॉल जी जैसा, ठीक है। फिर यहाँ से एक कर्व लाइन ऊपर की तरफ और एक कर्व लाइन नीचे की तरफ और ऊपर छोटा सा डॉट, टू लाइन्स के अंदर लिखना है। तो ये बन जाएगा आपका स्मॉल आई, स्टैंडिंग लाइन कर्व, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे, फिर ये ऐसे कर्व लाइन कर, दोनों तरफ कर्व लाइन, ऊपर डॉट, टू लाइन्स के अंदर लिखना है आपको। अगेन ये जी जैसा लिखेंगे हम तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल कर्सिव आई, और ये हो जाएगा स्मॉल कर्सिव आई। अगेन ऊपर डॉट लगाना है तो ही वो आई कहलाएगा। कोई आपसे पूछे कि आई से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं,
आई इज फॉर आइसक्रीम, आई इज फॉर इग्लू, आई इज फॉर इंक, आई इज फॉर इम्पोर्टेंट, आई इज फॉर इन। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं और आपकी जो कर्सिव की वर्कबुक है उसके अंदर आपको स्मॉल कर्सिव लेटर आई लिख के फिनिश कर देना है, पहले ट्रेसिंग लाइन, उसके बाद जो एम्प्टी बॉक्सेस है उसके अंदर, और आपके इंग्लिश की 4 लाइन की जो नोटबुक है उसमें भी आपको पूरा एक पेज ये लिख के फिनिश करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कैसे लिखा हमने, कैपिटल के लिए स्टैंडिंग लाइन, नीचे से कर्व और ऊपर से हाफ सर्कल, या फिर कह लो स्मॉल लेटर जी, नीचे से 3 लाइन में लिखते हैं लेकिन इसको ऊपर वाली 3 लाइन्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर जी भी ऐसे ही लिखते हैं जब हम नॉर्मल वाले कर्सिव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कैपिटल और स्मॉल लेटर वाले स्मॉल जी की बात कर रही हूँ, वो नीचे की 3 लाइन्स में लिखते हैं ये ऊपर की 3 लाइन्स में लिखते हैं। ठीक है, पर ये है आई, कंफ्यूज मत हो जाना, ये कर्सिव का कैपिटल कर्सिव आई है ये, और ये है स्मॉल कर्सिव आई। सो ये आपको दोनों में नोटबुक और वर्कबुक दोनों में लिख के फिनिश कर लेना है और उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आपको याद कर लेने हैं। समझ में आ गया सबको? ओके, फिर मिलेंगे, बाय।